स्पेशल लीव टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे फाइल होती है, इसका क्या प्रोसीजर है और इसको कौन फाइल कर सकता है, इसके क्या ग्राउंड्स लिए जा सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 136 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रावधान है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं, जिसमें कोई भी बंदा लिटिगेंट जो एग्रीव्ड है किसी भी ऑर्डर से, किसी भी सेंटेंस से, किसी भी डिटर्मिनेशन से, किसी भी ट्रिब्यूनल के, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से, वो एसएलपी प्रेफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करने की जो लिमिटेशन है वो 90 डेज है, 90 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, तो लिटिगेंट जो है उसमें एसएलपी को प्रेफर कर सकते हैं। SLP प्रेफर करने के लिए आप इन पर्सन फाइल कर सकते हैं, एडवोकेट के ऑन रिकॉर्ड के थ्रू फाइल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 302 में सज़ा हो जाती है, तो आपकी रेमेडी अब क्या है? आपने अपनी एपिलेट रेमेडी हाई कोर्ट में एग्जॉस्ट कर ली, उसके बाद आपकी कोई अपील की रेमेडी नहीं है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में SLP के ज़रिए आप उसको आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए लीव टू अपील ग्रांट कर सकती है, और जो ग्राउंड्स आप SLP में ले सकते हैं, आप सिविल SLP फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल SLP फाइल कर सकते हैं, और जो ग्राउंड्स आप अपील के ले सकते हैं वो लिंक में नीचे प्रोवाइड किए जा रहे हैं।